हे गाइस, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जियो सिनेमा की फैमिली ड्रामा फिल्म तिकड़म का। बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी सुल्तान नाम के गांव में रहने वाले प्रकाश की है, जो अपने माँ बाप के साथ और अपने दो बच्चों के साथ रहता है और वो एक होटल में काम करता है जो किसी कारण से बंद होने वाला है। अब अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए वो ये फैसला करता है कि वो काम करने मुंबई चला जाएगा। फिर इसके बच्चों पर क्या बीतती है और वो अपने पिता को रोकने के लिए क्या क्या संघर्ष करते हैं, वो इस मूवी में आपको देखने को मिलता है। बात करें डायरेक्शन की तो बहुत सी मूवीज आप देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सी मूवीज आप देखते हैं एक्सपीरियंस के लिए, पर ये मूवी आपको एक बाप का अपने बच्चों के प्रति क्या प्रेम होता है वो दिखाती है, जो देखकर आपको लास्ट में रोना जरूर आ जाएगा। अब मूवी स्टार्ट से ही आपको वो चीज दिखा जाती है जिससे आप रिलेट करते हैं, वो मिडिल क्लास आदमी के ख्वाब जो वो अपने बच्चों के पूरे नहीं कर पाता और उसके लिए जो जो संघर्ष उसको करने पड़ते हैं वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। और ये सब चीजें दिखाने में मूवी बड़ी ही ग्राउंडेड रहती है, मतलब बिना बात का कोई ग्लैमर नहीं है, बिना बात का कोई उल्टा सीधा रीजन नहीं है। मूवी अपने आप में बड़ी ही सच्ची तरीके से चलती है और यही बात है कि ये मूवी आपसे स्टार्ट से ही जुड़ जाती है, जिसके हर एक पल को आप एंजॉय करोगे। अब मूवी के फर्स्ट हाफ में जितनी कहानी मैंने आपको बताई है वो सब देखने को मिलता है, जिसमें ये बच्चे तिकड़म लगाते हैं कि वो कैसे भी अपने पिता को अपने से दूर ना जाने दे, जिसे मूवी के सेकंड हाफ में नए नए तिकड़म तरीकों के साथ दिखाया है जो देखने में काफी इंगेजिंग है। और जिस तरह से वो मासूमियत के साथ नादानी भरा बिना स्वार्थ वाला फंडा ही अपनाते हैं वो देखकर आपको सब समझ तो आता है, पर वो आप देखना चाहते हैं क्योंकि मूवी में बच्चे इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं जिसमें नादानी है पर फिर भी वो आपके दिल पर लग जाएगी। अब मूवी का सेकंड हाफ पूरी तरह से एक मिशन पर चलता है जो पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग पर सेट किया गया है, जो देखकर आपको काफी अच्छी फील आती है। तो ओवरऑल मूवी का डायरेक्शन काफी हार्ट मेल्ट कर देने वाला है, जिसमें बहुत अच्छे इमोशनल सीन भी है, खास करके क्लाइमेक्स वाला सीन जिसमें आपके आंसू शायद नहीं थमेंगे। मतलब इसमें होता ऐसा है कि वो आंसू आपकी आंखों में रहते हैं पूरी मूवी के टाइम, पर लास्ट में वो निकल ही जाते हैं। बाकी मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी है इन बच्चों के बीच, जिसे देखकर आपको हंसी जरूर आएगी। साथ ही मूवी की स्टोरी सिंपल है, पर सेकंड हाफ में जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो मूवी को सिंपल होने के बाद भी आपको नॉलेज प्रेजेंट करता है, जिसको देखकर आप इम्प्रेस होते हो। बाकी मूवी में कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग, उनके बीच का प्यार, उनके रिलेशनशिप डायनेमिक्स, वो सब आपको अपना सा लगेगा। मूवी अपनी जो बात कहना चाहती है वो बहुत अच्छे से कहती है, जिसे देखकर आप पूरी तरह से इम्प्रेस होते हो और मूवी आपके दिल पर लग जाती है। बाकी मूवी स्टार्ट टू एंड आपको अपनी प्यारी सी स्टोरी से एंगेज करके रखती है, जिसकी एंडिंग बहुत सेटिस्फाई लगती है। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, जो लोकेशन पर मूवी शूट हुई है वो आपको एक तरह का पीस देती है जिसमें कुछ भी बड़ा छड़ा कर नहीं दिखाया, जिसमें चमक ना होते हुए भी एक चमक है। बाकी मूवी में 3-4 सॉन्ग से जिसे बहुत अच्छे से मूवी में यूज किया है, वो एक तरह से सोने पर सुहागा काम करते हैं, वो मोहित चौहान वाले सॉन्ग जो बहुत अंदर तक लगते हैं। बाकी बीजीएम अच्छा है। तो और मूवी मेरे लिए काफी ज्यादा दिल को छूने वाली रही, जैसी वाइब कुछ एनिमेशन मूवीज में होती है इस मूवी में भी वो वाली वाइब है जो बहुत कम मूवीज में होती है। और बड़े दिनों बाद मैंने कोई ऐसी मूवी देखी जो सीधा दिल पर उतर गई, जिसकी हर एक चीज जैसा मेकर चाहते थे वैसा आपको लगती है। तो मूवी मेरी नजरों में अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।